हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपके लिए आंवले की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बिना फ्रिज के लगभग एक महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर चलिए आंवले की मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवले चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए लगभग 300 ग्राम आंवला ले लिए हैं और आंवले को हम धो के तैयार कर लेंगे। आंवला की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आंवला को बॉईल करके तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में लगभग एक गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी हमारा जब हल्का हल्का गर्म होने लगे, तभी हम इसमें अपने आंवला ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, सारे आंवला मैंने पानी में डाल दिए हैं और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम अपने आंवला को बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, लगभग 15 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने आंवला को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा आंवला कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। जब इसमें ये क्रैक आने लगे, इसका मतलब है कि हमारे आंवला अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और आंवला को पानी में से मैं निकाल लेती हूँ। आंवला को मैंने पानी में से निकाल लिया है और अब देखिए, हमारे जो आंवला है ये ठंडे भी हो गए हैं। तो हम इस तरीके से इनकी जो ये कलियाँ हैं, इन्हें हम अलग कर लेंगे और बीच में जो बीज होता है उसे हम हटा देंगे। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि कलियाँ देखिए कितने आराम से अलग हो रही हैं। और इस तरीके से हम आंवला की चटनी बनाने के लिए अपने आंवला को तैयार कर लेंगे। तो ये जो चटनी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और साथ ही बहुत ही हेल्दी है। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाइए और आप इसे बिना फ्रिज के लगभग एक महीने तक आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। आंवला की जो चटनी है वो घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस तरीके से हम आंवला के सारे बीज हटा देंगे और आंवला की कलियां हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये देखिए, आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे आंवले तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, एक छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला। तो आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में लगभग एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, मैं इसमें एक एक करके अपने सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा और जीरा को हम अच्छे से चटका लेंगे। तो जीरा चटक गया है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कलौंजी, हींग, और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और कुछ सेकंड के लिए हम अपने मसालों को भून लेंगे। और अब मैं इसमें आंवला ऐड कर देती हूँ और उसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। आंवला को हम मिक्स कर लेंगे अपने मसालों के साथ और याद रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम अपने आंवला को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमें इसको कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस तरीके से धुला ही पकाएंगे। पर उससे पहले मैं आंवला की चटनी में डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच काला नमक और सफ़ेद नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। आंवला की चटनी में बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम अपनी आंवला को अच्छे से भून लेंगे मसालों में। 5 से 6 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे आंवला को पकते हुए और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम आंवला लिया था, तो उसके लिए हमें 300 ग्राम ही गुड़ का यूज़ करना होगा। और यहाँ पे मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इससे हमारी जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो गुड़ को हम आंवला के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आंवला की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे
मिठास के लिए हमें गुड़ का यूज़ उतना ही करना है जितना कि हम आंवले का यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम अपने आंवले की चटनी को पका के तैयार कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे और धीरे धीरे हम अपनी चटनी को पकने देंगे। आंवले की चटनी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाया है। तो अब देखिए हमारी जो गुड़ की चाशनी है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये जमने लगेगी। तो हमें इसको इतना नहीं पकाना है। आज जो मैं आपको आंवले की चटनी बनाना बता रही हूँ इसमें हल्की सी गुड़ की चाशनी भी बनी रहती है, तभी इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इस गुड़ की जो चाशनी होती है उसमें मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है और इसीलिए आंवले की चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे पूड़ी पराठे या किसी भी स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ क्योंकि अब हमें आंवले की चटनी को और ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हमारी आंवले की चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो ये देखिए आंवले की चटनी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।